आज मेरे किचन में बनने जा रहा है आम की लौजी। और इस टाइम गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में कच्चे आम बहुत मिलते हैं, तो इससे बहुत सारी न्यू न्यू डिशेस बनती हैं। ये तो बहुत आसान सी डिश है, चलिए ट्राई करते हैं। बनने के बाद कितना यम्मी लगता है ये, इसका टेस्ट ना वाह क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत पसंद है। बस इसके लिए मैंने लिए हैं, ये 500 ग्राम आम हैं कच्चे आम, और इसे अच्छे से धोकर छील लें और इसे यूँ लंबे स्लाइसेस में कट कर लें। बहुत ज़्यादा पतले स्लाइसेस ना करें, नहीं तो वो फिर बाद में मिल जाएंगे आपस में सब। बस वैसे ही रेडी कर लें। और एक मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे और इसमें ऑयल डाला है, और जब ऑयल गर्म हो जाए अच्छे से तो इसमें एक पिंच हींग डाल दें। हींग से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसमें मैंने जीरा लिया है, हाफ चम्मच है ये जीरा, और राई और सौंफ, ये सब मिक्स किया हुआ। हमारे यूपी में इसको पंचफोरन बोलते हैं, वो यूज कर लेते हैं हम इसमें। मैंने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा है ना कि ये सब वो अलग अलग करके डालते हैं, हमारे यहाँ तो इसे पचफोरन मिलते हैं, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। बस इसका तड़का दें और ये जो कटे हुए आम है इसमें डाल दें, और फिर क्या चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें इसे। और फिर हमें इसे ढककर 3-4 मिनट तक पकाना है, चेक करना है कि ये थोड़ा सॉफ़्ट हो गया है या नहीं। जब आपको लगे कि ये कैरियाँ थोड़ी सॉफ़्ट हो गई हैं तो अब बस हमें इस स्टेज पे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, ये सब इसमें ऐड करना है। ज़्यादा ऐड ना करें, मैंने यहाँ हाफ हाफ चम्मच सब कुछ लिया है। और इसमें थोड़ा सादा नमक भी डाल दें जो हम अपने नॉर्मल खाने में यूज करते हैं वो वाला, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दें सबको। मिक्स करने के बाद इसे थोड़े देर ढककर हम और पकाएंगे 3-4 मिनट तक, इससे ज़्यादा ना पकाएं। अब बस अब हम इसमें गुड़ और चीनी मिलाएंगे, तो मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है और 200 ग्राम ही चीनी ली है, क्योंकि हाफ के जी कैरियाँ थी हमारी तो उसमें इतना लग जाएगा। अब बस गुड़ और चीनी को डालने के बाद अब हम इसमें बस 1 कप पानी डाल देंगे। आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, मतलब हाफ कप और डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे ना फिर ये और गाढ़ा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हमें नॉर्मल ही रखना है। तो बस 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढककर पका दें, और फिर बस आपकी आम की लौंजी एकदम टेस्टी वाली रेडी हो गई है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें इसे, और हाई फ्लेम पर ना पकाएं, इसको मीडियम फ्लेम पर ही रहने दें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसका पानी सारा ख़त्म हो जाएगा और ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी से हो जाएगी अभी ही, और बाद में तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसको हल्का ऐसा मतलब पतला ही रखें, ताकि 1-2 घंटे के बाद जब ये अच्छे पे ठंडी हो जाएगी तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो जितना हमें यूज करना होता है, मतलब चाहिए होता है, उतना ये खुद बाद में हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि बनाने के 1 घंटे के बाद ये कैसा दिख रहा है, जितना हमें चाहिए उतना गाढ़ा ये है। क्या आपकी ये एकदम टेस्टी वाली आम की लौंजी बिल्कुल रेडी है? अगर मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि जो मैंने बनाया वो कैसा लगा आपको। थैंक यू।